Start. Hello friends, good morning. I am Jignasha Modhare. I am studying in 6th class. My topic gender and I am teach to you English grammar. मैं आज आपको जेंडर के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ. जैसे कि देयर आर फोर काइंड्स ऑफ जेंडर. जेंडर के चार प्रकार है. विचार दे. मस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर. मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसे मैं आपको मराठी में बताना चाहती हूँ. इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं. इसको बोलते हैं मस्कुलाइन जेंडर को मराठी में पुरुष लिंग. हम हिंदी में कहा जाता है और फेमिनाइन जेंडर को स्त्रीलिंग कहा जाता है. और ये कॉमन जेंडर को सामान्य लिंग. इसको सामान्य लिंग की लिंग क्यों कहा जाता है, जैसे कि मेल और फीमेल है, इन दोनों का एक ही नाम होता है, इसलिए वो उभयलिंग की और सामान्य लिंग कहा जाता है. अब न्यूट्रल जेंडर. ये न्यूट्रल जेंडर को नपुंसक लिंग क्यों कहा जाता है, जैसे कि वो नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे कि एग्जांपल टेबल, चेयर, कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स आ सकता है इसमें. और हम पहले डेफिनेशन ऑफ जेंडर. हम डेफिनेशन ऑफ जेंडर के बारे में कुछ बताना चाहते हैं आपको. द डिफरेंस बिटवीन मेल और फीमेल इज सेड टू बी जेंडर. मतलब पुरुष अथवा स्त्री, इन दोनों के बीच फर्क में लिंग कहा जाता है. इसके कोई एग्जाम्पल्स नहीं है, पर फिर हम देखेंगे ये मस्कुलाइन जेंडर. ये मस्कुलाइन जेंडर का भी वैसा ही है. बता देते हैं, जिस समय में स्त्री जाति पुरुष जाति का बोध है वो है उसे पुरुष लिंग कहा जाता है. इसके एग्जांपल्स है, तो एग्जांपल्स क्या रहेंगे, मेल मेल के ही नाम, पूरे मेल, जैसे कि साहिल, देव, कौन से भी भाई बॉयज के नाम ले सकते हैं, बॉयज भी ले सकते हो. एनिमल्स के भी नाम ले सकते हो, जैसे कि कॉक, लायन, टाइगर, ईटीसी. आप कोई भी नाम ले सकते हो. और फिर हम देखेंगे फेमिनाइन जेंडर. ये फेमिनाइन जेंडर की हम ऐसी डेफिनेशन है, सिर्फ ये मस्कुलाइन का निकालना पड़ता है और ये इसके जगह ये फेमिनाइन निकालना पड़ता है. ये फेमिनाइन यहाँ भी फेमिनाइन और यहाँ फीमेल. अब मैं आपको फेमिनाइन जेंडर का हिंदी में ट्रांसलेशन बता देती हूँ. ऐसे ही जिस संज्ञा में स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है. इसके भी एग्जांपल्स है, जैसे कि हेल, मदर, लायनेस, टाइगरेस, इटीसी. आप कोई भी नाम ले सकते हो. फिर देखेंगे हम कॉमन जेंडर. ये वाला कॉमन जेंडर नाउन, मैं आपको ये इंग्लिश में पहले बता देती हूँ. और नाउन दैट डिनोट्स मेल और फीमेल इज सेड टू बी कॉमन जेंडर. जैसे कि ये
यदि किस संज्ञा में स्त्री और पुरुष दोनों का बोध होता है उसे नपुंसक उभयलिंग कहा जाता है। इसके भी एग्जांपल्स है, जैसे कि ये पुलिस, जैसे कि पुलिस है, हम लेडी पुलिस कह सकते हैं और जेंट्स भी पुलिस कह सकते हैं। फिर ये पुलिस के तो एक कॉमन नाम है, कोई भी आ सकता है दोनों में से, इसलिए वो पुलिस बोला जाता है। फिर देखेंगे हम ये न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर का भी वैसा है, कॉमन जेंडर की डेफिनेशन वैसी थी, वैसा ही है। द नाउन दैट डिनोट्स मेल नेदर मेल नीदर आर सेड टू बी न्यूट्रल जेंडर। यदि किस संज्ञा में स्त्री और पुरुष